केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं डबल इंटीग्रल का एग्जाम्पल। तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो डबल इंटीग्रल में आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है इवोल्यूट डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू वाई डीवाई डी एक्स, वेर डी इज द रीजियन बाउंडेड बाय द पैरेबोलास, यानी दो पैरेबोला है उसके लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x² एंड सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1+x², यानी इन दोनों फंक्शन के लिए ग्राफ में जो एरिया मिलता है उस एरिया का हमको फाइंड करना है यहाँ पे यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन। यानी दो पैराबोला के बीच में जो कॉमन पार्ट मिलेगा उसके बीच को हमका एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमको सबसे पहले लिमिट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो है एक्स के लिए, यानी एक्स के लिए लिमिट हमको फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों? सेकेंड वाले वाई के लिए तो हमको लिमिट दी हुई है, वाई के लिए फंक्शन है 2x² टू 1+x², यानी अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 2x² एंड लोअर लिमिट हो जाएगी 1+x². चलिए सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि तभी हमको उसके बीच में कौन सा एरिया आता है वो पता चलेगा। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू 2x² है तो उसके लिए हमने वैल्यू सपोज कर ली x एंड y। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 2, अगर -1 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 2। सेम मिलता है, 0 के लिए मिलेगा 0। सेम फॉर द फंक्शन वाई प्लस 1+x² के लिए करते हैं, वाई इज इक्वल टू 1+x² के लिए सेम ग्राफ ड्रॉ किया, टेबल ड्रॉ किया, एक्स अपॉन वाई, वन पुट किया तो हमको मिलेगा 2, -1 पुट किया तो हमको मिलेगा 2, 0 जब पुट किया तो वाई हमको क्या मिला 1। तो देखते हैं इसके लिए ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ की हमने, उसके बाद y एक्सिस, फिर 0 मिडल पॉइंट ओरिजिन आएगा, 1 कहीं पे यहीं पे आएगा, -1 कहाँ पे यहाँ पे आएगा, और आपका जो -1 2 पॉइंट है यानी ये वाला जो है दोनों में कॉमन है तो ये वाला कोई पॉइंट आएगा यहाँ पे और 1 2 पॉइंट आएगा कोई यहाँ पे उस एंड। हमको थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट है 0 0 0 0, तो यहाँ पे आएगा और 0 1 कहीं पे आएगा यहाँ पे, यानी सारे के सारे पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आएगा पैराबोला फॉर द -1 2, यानी फॉर द वाई इज इक्वल टू 2x² पैराबोला हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, एंड फॉर द सेकेंड वन y इज इक्वल टू 1+x² वो ओरिजिन में से पास नहीं होगा, वो पास होगा जब 0 लेंगे x जगह पे तो हमको मिलेगा 1, यानी 0 1 में से वो पैराबोला पास होगा। यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया हमको, यानी 1 लिमिट क्या हो गई हमारी x के लिए -1 एंड सेकेंड लिमिट हो गई हमारी 1। तो इसके लिए हमको मिल गया ये वाला पॉइंट। तो इसके बीच का एरिया मतलब एरिया कितना आएगा सिर्फ इन दोनों में जो कॉमन है बीच में ग्राफ में वो वाला एरिया हमको फाइंड करना है। चलिए ये वाला जो लाइन है पैराबोला वो किसके लिए है, वाई इज इक्वल टू 1+x² एंड नीचे वाला जो पैराबोला है वो है वाई इज इक्वल टू 2x² हमको फाइंड करना है ये बीच वाला एरिया। इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स के लिए लिमिट हो गई हमारी, एक्स के लिए लिमिट हो गई -1 to 1 एंड वाई के लिए लिमिट आप 0 to 1 नहीं ले सकते क्योंकि 0 to 1 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हमको वाई के लिए जो फंक्शन दिया होना होता है वही हमको क्या लेना है एज अ लिमिट हमको पुट करना है, यानी वाई के लिए लिमिट हो जाएगी 2x² टू 1+x². चलिए अगर ऐसे हमको ग्राफ ड्रॉ करके फाइंड नहीं करना है
लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट डायरेक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x² एंड y इज इक्वल टू 1+x² दिया हुआ है, यानी दोनों में y है, तो 2x² इज इक्वल टू 1+x² कंपेयर कर सकते हैं, x² सामने की साइड चला जाएगा, तो 2x² - x² इज इक्वल टू 1, यानी है यहाँ पे हमको मिला x² इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस 1, अंडर रूट 1 आएगा लेकिन उसका वैल्यू 1 ही होता है, यानी x की लिमिट हमको क्या मिल गई, +1 to -1। चलिए अभी करते हैं हम इंटीग्रेशन एरिया फाइंड। सबसे पहले तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन x+2y dA, a फॉर द एरिया। चलिए लिमिट पुट कर देते हैं, x की लिमिट है -1 to 1, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2x² to 1+x², फंक्शन तो हमको दिया ही है x+2y dy dx। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे हम डी वाई का, यानी y का इंटीग्रेशन यहाँ पे x कांस्टेंट है इंटू 1 है, तो y का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा y+2y का हो जाएगा 2y² / 2, y की एक पावर बढ़ जाएगी और वो पावर आ जाएगी नीचे, लिमिट है 2x² 1+x² dx। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, 2 2 कैंसल आउट हो गए, तो हमको फाइनल मिला इंटीग्रेशन -1 to 1 xy+y² लिमिट है 2x² to 1+x² dx। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी सबसे पहले एक्स वाई की जगह पे हम पुट करेंगे 1+x² और उसके बाद पुट करेंगे 2x². इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स इंटू वाई, वाई मतलब 1+x² + y² यानी 1+x² का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई यानी एक्स इंटू 2x² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2x² का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स इंटू 1 यानी एक्स एक्स इंटू x² यानी x³ + 1+2x² + x^4 -2 बाहर आ जाएगा x³ - 4x^4। चलिए यहाँ पे थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन -1 to 1 x³ है, सबसे पहले 4 पावर -4x^4 है +x^4 यानी हो जाएगा -3x^4, -2x³ है और x³ है यानी आ जाएगा -x³ + 2x² एक ही बार है तो यानी 2x² + x + dx। अभी इसका करना है अगेन हमको इंटीग्रेशन, चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी -3x^4 का होता है x^5/5, -x^3 का होता है x^4/4, +2x² का होता है x³/3, प्लस एक्स का हो जाएगा x² / 2, प्लस एक्स का हो जाएगा 1 का हो जाएगा एक्स। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे 1 और उसके बाद पुट करेंगे माइनस, यानी 1/2 सारी के सारी वैसे के वैसे वैल्यू आएगी, 1 पुट करेंगे तो -3/5 -1/4 +2/3 +1/2 +1 माइनस, -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 3/5, यहाँ पे और इवन पावर है यानी वो मिलेगा 1/4, माइनस x³ है यानी -1 पुट करेंगे यानी ऑड पावर है -1 की, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/3 +1/2, x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो 1। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा 60 यानी 30 -36 -50 +40 +30 +60 -36 -15 -40 +30 -60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 79/60 -49/60 माइनस माइनस प्लस 79 + 45/60, इन दोनों का सम करेंगे तो हमको मिलेगा 128/60, इन दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा एरिया इज इक्वल टू 32/15। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी एरिया क्या होगा उन दोनों के बीच में,
32 अपॉन 15।